भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास साथ नगरीय सहकारी बैंकों से संबंधित मुद्दों एवं चिंताओं पर चर्चा हेतु गत 12 मई को मुंबई में किया गया देश भर से फेडरेशन बैंकों के 11 प्रतिनिधियों को आमंत्रित, जिसमें उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ के अध्यक्ष एवं यूनाइटेड मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरसी वर्मा ने भाग लिया। बैठक में गवर्नर के अतिरिक्त डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के प्रारंभ में गवर्नर ने वित्तीय समावेश एवं जमीनी स्तर पर आर्थिक उत्थान के लिए प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। अग्रतर गवर्नर ने इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सभी हितधारकों के एक साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उल्लेखनीय है कि गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में नगरीय सहकारी बैंकों के इतिहास में यह प्रथम बैठक है। इस बैठक से नगरीय सहकारी बैंकों को नई ऊर्जा मिलेगी। इसी उपलक्ष्य में क्या कहा आरसी वर्मा जी ने, आइए सुने इसको। वर्मा अध्यक्ष उत्तर भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन लखनऊ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूनाइटेड मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कानपुर। दिनांक 12 मई को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे देश से 5 प्रदेशों के प्रतिनिधि थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था, जो हमारे इस सेक्टर की यूसीबी सेक्टर, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर है, सहकारिता का क्षेत्र, इसकी जो समस्याएं हैं इन पे चर्चा के लिए यह बैठक का आयोजन किया गया था। सबसे पहले गवर्नर साहब ने इस क्षेत्र की उपयोगिता क्या है, इस क्षेत्र के बैंकों की उपयोगिता क्या है, उस पर प्रकाश डाला और स्पष्ट रूप से ये चीज़ कही कि नगरीय सहकारी बैंकों की भूमिका वित्तीय समावेश में छोटे लोगों की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से इन बैंकों को आगे बढ़ाना भारतीय रिजर्व बैंक की भी जिम्मेदारी है। इनकी प्रगति तेजी से हो, इनकी उन्नति तेजी से हो, जिससे ये अपनी भूमिका को और अच्छे तरीके से निर्वाह कर सके। हम लोगों की जो समस्याएं थी, पूरे देश की जो इंटायर सेक्टर है उससे जो समस्याएं थी, उन पे बहुत ही व्यापक विचार विमर्श किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने तरीके से एक पहली बैठक ऐसी थी जिसको भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने स्वयं संचालित किया। एक बड़ी बात होती है कि जहाँ पर सरकारी बैंक हैं, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, बड़े बड़े बैंक, वहाँ पर इन छोटे बैंकों को, सहकारिता के छोटे बैंकों को महत्व देना अपने आप में एक बड़ी चीज़, क्योंकि इन बैंकों को द्वारा जब ये बैंकों की स्थापना की गई थी नगरी क्षेत्रों में, तब कोई बैंक, बड़े बैंक जो थे, यहाँ के जो नगरीय क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए वहाँ पे दरवाजे खुले नहीं होते थे। इस वजह से इन बैंकों की स्थापना की गई। आज भी ये बैंक छोटे लोगों के आर्थिक प्रगति में बहुत शामिल। तो ये एक यूनिक बैठक थी जो हमारे लिए बड़ी सेक्टर के लिए गर्व की बात है, प्रदेश के लिए गर्व की बात है और शहर के लिए तो है। तो ये बैठक सर कब है? हो चुकी है, ये 12 तारीख को, ऑलरेडी 12 मई को मुंबई में बैठक संपन्न हो चुकी है। जी अच्छा। जिसमें सबसे पहले गवर्नर साहब ने स्वयं इस सेक्टर की उपयोगिता, इसकी भूमिका, मतलब ये जितनी सराहना की वो बड़ा देर होता है, बहुत सराहना की कि वित्तीय समावेश के लिए, छोटे लोगों के उत्थान के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए इन बैंकों की अत्यंत आवश्यकता है और इनकी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका इनके द्वारा जिसका निर्वाह किया गया, इस पे ये बैठक थी। और हम लोगों की सेक्टर की जो समस्याएं हैं उस पे चर्चा हुई, व्यापक चर्चा हुई। शायद जितनी उम्मीद नहीं थी
ये हम लोगों को बहुत ही फ्री फ्रैंक ओपन डिस्कशन हुआ 2 घंटे तक, और जितनी भी समस्याओं को बड़ा धैर्यपूर्वक गवर्नर साहब ने सुना और उनके समाधान के लिए बिल्कुल टाइम लाइन जो होती है ना, एक निश्चित समय के अंदर समाधान के लिए भी आश्वासन दिया हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। कितने बैंक वहाँ? मात्र 11। 5 प्रदेश के फेडरेशन से टोटल, उसमें महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, तमिलनाडु था, तेलंगाना और यूपी था। बस मतलब उन्होंने कुछ सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, पूरे देश सभी को नहीं बुलाया। यूपी से कितने थे? अकेला में था। यूपी के रूप में हमने उसको अटेंड